नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको दो खबरें बताऊंगी। दोनों खबरें ईरान से हैं। दुनिया की दो सबसे बड़े सिया और सुन्नी मुस्लिम देशों ने अपनी दुश्मनी भुलाकर रिश्तों की नई शुरुआत कर दी है। सऊदी अरब की तरफ से एक तकनीकी प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब दूतावास फिर से खोलने पर चर्चा करने के लिए ईरान पहुंच गया है। चीन द्वारा दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने के समझौते के बाद ये यात्रा हो रही है। दूसरी खबर ईरान में हिजाब को लेकर है। ईरान सरकार ने बिना हिजाब के घूमने वाली महिलाओं का पता लगाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर कैमरा लगाना शुरू कर दिया है। हिजाब के बिना सड़कों पर घूमने वाली महिलाओं की कैमरे की मदद से पहचान की जाएगी, उसके बाद प्रशासन उनकी सजा की पुष्टि करेगा। पुलिस ने बताया कि सर ना ढकने वाली महिलाओं को पहले इसका अंजाम भुगतने वाला टेक्स्ट मैसेज किया जाएगा, उसके बाद भी अगर महिलाएं सावधान नहीं रही तो उन्हें सजा दी जाएगी। ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब अनिवार्य है। ईरानी सरकार का कहना है कि महिलाओं को हिजाब पहनना होगा, नहीं तो देश की छवि को नुकसान पहुंचेगा। आपको बता दें, ईरान में महिलाओं का सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। उसके बावजूद कुछ महिलाएं लगातार इस कानून की धज्जियां उड़ा रही थीं। पुलिस के अनुसार सरकार के इस कदम से हिजाब कानून के विरोध को रोकने में मदद मिलेगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। आपकी इस न्यूज़ पर क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।